मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार में सलाहकार की भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा के बयान पहले से ही चुनावी माहौल में विवाद का बवंडर लाते रहे हैं। एक बार फिर से 2024 के चुनाव में उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि पित्रोदा ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने एक टीवी पर चर्चा में सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर विरासत टैक्स का जिक्र किया था, इसका कांग्रेस या किसी भी पार्टी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। अब पित्रोदा अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस भी उनके बयान को निजी बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपना सियासी हथियार बना चुकी है। ऐसे में सैम पित्रोदा कौन है ये हर कोई जानना चाहता है, कांग्रेस के लिए कितने खास हैं ये भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इनका पूरा नाम सत्य नारायण गंगाराम पित्रोदा है। ये राजनीतिक सलाहकार रहे हैं कांग्रेस के, राजीव गांधी के भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के भी रहे हैं, तकनीकी एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनके नाम 100 से ज्यादा पेटेंट हैं। साल 1987 में सबसे पहले सैम पित्रोदा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सलाहकार बने। भारत में टेली कम्युनिकेशन तकनीकों को फैलाने में सैम की बहुत अहम भूमिका रही है। 1995 में वर्ल्ड टेल का पहला अध्यक्ष सैम पित्रोदा को बनाया गया था। साल 2024 में मनमोहन सिंह की सरकार में नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष भी सैम थे। अभी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये इनका पूरा परिचय है, फिलहाल विदेश में रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा के ताजा बयान के बाद विरासत टैक्स पर टकराव शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सरकार आई तो विरासत में मिली संपत्तियों पर टैक्स लगा देगी। विरासत टैक्स पहले भी हिंदुस्तान में वसूला जाता था, कांग्रेस सरकार ने इस टैक्स को खत्म किया था। तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, और इसे हटाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल तब एक ऐसा वाकया हुआ था, तब के तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने उसे खत्म कर दिया। तब यह कहा गया था कि सरकार इन हेरिटेज टैक्स के चलते काफी सारे मुकदमे में फंस गई है। सरकार की तरफ से दूसरी दलील यह दी गई कि जिस मकसद से इस टैक्स को लागू किया गया वो पूरा नहीं हो पाया। सरकार का यह भी कहना है कि उस टैक्स से हुई कमाई उसके प्रशासन में किए गए खर्च से कम थी, इसीलिए इस टैक्स का कोई मतलब नहीं था। और यही वजह थी कि 1985 में विरासत टैक्स हटा दिया गया। तब इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर 85% का टैक्स वसूला जाता था। और सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल यह उठता है कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, किस पर लगाया जाता है, कितना लगता है। मैं आपको अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स के बारे में भी बताना समझाना चाहता हूं। अमेरिका में दो तरह के टैक्स हैं, एक संपत्ति टैक्स है, दूसरा विरासत टैक्स है। 12 अमेरिकी राज्यों में संपत्ति टैक्स लगाया जाता है और 6 में विरासत टैक्स। संपत्ति टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उसे संपत्ति पर लगा दिया जाता है, और दूसरी तरफ विरासत टैक्स उन लोगों पर लगाया जाता है जिससे विरासत में संपत्ति मिली हो। और ये सिर्फ तभी लागू होता है जब संपत्ति के मालिक की मौत हो गई हो। और विरासत टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगाया जाता है जो एक लिमिट से ज्यादा हो। अगर विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर ये टैक्स नहीं लगाया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता कि अमेरिका के अलावा दुनिया के कई देश और भी हैं जहां पर विरासत टैक्स लगाया जाता है। हालांकि भारत में इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। भारत में टैक्स पेयर विरासत में सिर्फ मिली संपत्ति के जरिए कमाई करता है और उस कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि किस देश में कितना विरासत टैक्स वसूला जाता है, ये समझना भी हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है। जापान में 55% विरासत टैक्स वसूला जाता है,
साउथ कोरिया में 55% विरासत टैक्स लगाया जाता है, फ्रांस में 45% विरासत टैक्स लगाया जाता है, ब्रिटेन में 40% विरासत टैक्स लगाया जाता है, अमेरिका में 40% विरासत टैक्स लगाया जाता है, स्पेन में 34% विरासत टैक्स लगाया जाता है, आयरलैंड में 33% विरासत टैक्स लगाया जाता है, बेल्जियम में 30% विरासत टैक्स लगाया जाता है, जर्मनी में 30% विरासत टैक्स भी लगाया जाता है और चिली में 25% विरासत टैक्स वसूला जाता है। ये तमाम वो राज्य हैं दुनिया के देश हैं जहां पर ये टैक्स वसूला जाता है और ज्यादातर देशों में विरासत कर रही सीमा की जो लिमिट है वो 40-50% तक मानी गई है। तो दुनिया के इन देशों में विरासत टैक्स वसूला जाता है और पहले हिंदुस्तान में ये टैक्स वसूला जाता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इस टैक्स को खत्म कर दिया और ये टैक्स एक बार फिर से हिंदुस्तान की सियासत में एंट्री कर चुका है। दूसरे चरण से पहले इस टैक्स की बात पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी।